वेलकम बैक नाजरीन तो नाजरीन हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे स्कूल के हवाले से क्योंकि सईद गनी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें अभी भी डाउट है कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो अभी भी उनको मजबूर कर रही है स्कूल खोलने पे तो असल में मैं मेरा आज का जो टॉपिक है वो स्कूल आ, एजुकेशन स्कूल्स के हवाले से ये कि एस ओ पीस को किस तरह से फॉलो करना होगा क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो एस ओ पीस फॉलो करवाना बहुत मुश्किल है तो आज जो हमारी गेस्ट हमारे साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर और उस्मान पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अकेडमिक्स अहमद इंतज़ार अहमद साहब अलगमेक असल कैसे हैं खैरियत से बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया इंतज़ार अहमद साहब मैं आपसे सबसे पहले यह सवाल करना चाहूँगी क्योंकि uh, जो है अब स्कूल्स तो खुल चुके हैं तो आप लोग किस तरह से एस ओ पीज़ फॉलो करेंगे और अपने टीचर्स को क्योंकि जाहिर है जब टीचर्स फॉलो करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स भी फॉलो करेंगे तो किस तरह से आप लोगों के अपने uh, स्कूल की मैनेजमेंट किस तरह से एस ओ पीज़ को फॉलो करेगी बिसमीम बहुत शुक्रिया के ट्वेंटी वन ने हमें मौका दिया एक अहम इशूज़ पर यहाँ पर बात की जाए जो तालीम और बच्चों से मुतल है दरअसल एस ओ पीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अभी स्कूल्स 15 सितंबर से खोलने की बात की गई है इससे कबल हुकूमत ही के अलामे के मुताबिक इस इजाजत थी कि वो स्कूल आएँ और अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करें कि वो जो भी तैयारियाँ उस हवाले से हैं जो तो उस पर उन्होंने एस ओ पीज़ पर मुकम्मल तरीक़े से अमल किया और इस्कूल आए और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अब क्रिस्टल क्लियर हैं कि बच्चों को अब 15 सितंबर से आना है तो वो किस तरीके से आएंगे mm -hmm. उस हवाले से वालदेन को सर्कुलर्स फराम करना उनको नोटिस इस हवाले से देना उनको इतला फ़राम करना उनको एजुकेट करना कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से भेजेंगे और किन टाइमिंग्स के अंदर भेजेंगे ताकि बच्चों की सेहत जो हमें मुकदम है सेफ्टी फ़र्स्ट उस लिहाज से बच्चे आए और उनकी तालीम का जो सिलसिला गुज्त छः सात महीने से मतल है वो दोबारा से शुरू किया जा सके तो उस तो प्रिपेयर्ड है अलहमद पूरी स्कूल मैनेजमेंट भी प्रिपेयर्ड है और सिंध गवर्नमेंट ने भी गुज़त कोई दस पंद्रह बीस दिन से अपने तमाम स्कूलों के अंदर भी ये सारे सिलसिले के सफाइयाँ और वहाँ पर जो एम्यूनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ हैं मुख्तलि उनको किया जाना तो वो सब चल रहा है, है।, है।, है ठीक है और इन शाह 15 सितंबर से स्कूल बहुत अच्छे अंदाज से खुल जाएंगे बच्चे वहाँ पे आएंगे और उम्मीद तो करते हैं अच्छा मुझे बताए क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से पाँच माह से स्कूल्स बंद हैं तो इससे स्कूल को कितना नुकसान पहुँचा प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को प्राइवेट स्कूल्स को तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये कहा गया था मार्च में कि स्कूल्स जो हैं वो एक खुल जाएंगे मार्च के आखिर में फिर मजीद वक्त लिया गया जून का वक्त लिया गया फिर पंद्रह जुलाई कहा गया लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं ज़ाहिर सी बात है उनके लिए मुश्किल है और एक अंदाज़े के मुताबिक कोई पैंतीस फ़ीसद इस्कूल जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में जो रेंटेड बिल्डिंग्स उसमें हैं तो ये जुलाई जून और जुलाई के अंदर एक तहक़ीक़ के मुताबिक कोई तीन सौ बंद हुए हैं और उसके बाद मज़ीद जो स्कूल्स बंद हुए हैं जो शायद इस कशमकश में थे कि स्कूल खुलते हैं नहीं खुलते हैं क्योंकि हमारे वजीर तालीम भी कई मरतबा कह चुके हैं कि स्कूल्स को हमें बंद करना पड़ा तो हम कई एक बड़ी मदद के लिए बंद करेंगे तो उस खदशे के पेश नज़र भी मज़ीद स्कूल बंद हुए और तकरीबन अगस्त के महीने तक की जो हमें इतला है क्योंकि कोई साढ़े आठ सौ स्कूल जो हैं वो प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं अच्छा। कराची के बाकी पूरे मुल्क के हवाले से भी एक तादाद होगी यकीन तो ये जो स्कूल बंद हुए हैं अब वालदे भी परेशान हैं बच्चे भी परेशान हैं कि वह अब कहाँ जाएँगे तो इसमान पब्लिक स्कूल को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा होगा देखें नुकसान तो हुआ है और आप ये देखें कि मई जून जुलाई के महीने में वालद चूंकि ख़ुद भी वो इफेक्टिज थे मुतासर थे हमने भी उनकी फ़ीसों को कम किया गवर्नमेंट के अलामिया के मुताबिक जितना कम किया जाना था उसके बावजूद इस पूरे अरसे में कोई तीस से पैंतीस फ़ीसद वालदान ने फीसें जमा कराई हैं और साठ पैंसठ फीसद यानी जो बजट बनता है क्योंकि रेंटेड बिल्डिंग्स हैं और किराया तो देना ही देना है हर लिहाज से फिर यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी देने हैं सारे जी तो उस लिहाज से नुकसान तो है बहरहाल बिल्कुल अच्छा मुझे बताएँ क्योंकि डिफेंस और क्लिफ्टन क्लिफ्ट, जैसे पोस्ट एरियाज में तो वहाँ पे तो एस को फॉलो आराम से कराया जा सकता है लेकिन जो गली मोहल्ले के जो छोटे स्कूल हैं वहाँ पे किस तरह से एस को फॉलो करवाएंगे जी बहुत आपने बरवक और बेहतरीन सवाल किया है इस हवाले से हम ख़ुद भी फिकरमंद हैं स्कूल एसोसिएशन भी लेकिन हम ये समझते हैं कि चूँकि बाज़ारों में मार्केट्स में और दीगर जगहों पर यकीन इतनी तालीम याफ़्त तबके नहीं होते स्कूलों में चूँकि एजुकेटेड लोग होते हैं ख़ुद टीचर्स भी एजुकेटेड होते हैं और वो बच्चों को एजुकेट कर रहे होते हैं तो बच्चे खुद भी असूल जवाब की सबसे ज्यादा पाबंदी अगर करते हैं तो स्कूल्स में करते हैं बिल्कुल सही बोले लेकिन आपको पता है क्योंकि डिफेंस में तो वहाँ पे घर में ही बच्चों को जो है वो अवेयरनेस दे दी जाती है लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जाहिर सी बातें हमारी गवर्नमेंट ने भी जाकर लोगों को अवेयरनेस दी है तो वहाँ पर उनको खुद भी इतना कोरोना से बचने के उनको नहीं पता था क्या क्या हम जो है एस ओ पीज को फॉलो करें किस किस तरह सेनेटाइजर ये तो अब लोगों को पता चले इतनी ज़्यादा अवेरनेस थी नहीं तो क्योंकि छोटे बच्चे जो उनको मास्क पहनाना बहुत मुश्किल काम होता है, वो तो वो उतार उतार के भेज देते हैं तो उनको किस तरह से आप लोग क्योंकि एक मेरे पास तो ऑडियो क्लिप्स भी आई हैं बच्चों की मुख्तलि वीडियोस भी आई हैं उसमें बच्चों ने ये कहा है कि सर हमारे स्कूल कब खुलेंगे आपने 9 टेंथ के स्कूल पंद्रह सितंबर से खोलने का कहा है तो हमारे स्कूल भी जल्दी खुलें हम चाहते हैं कि हम अपने स्कूल आएँ बच्चों के अंदर ये एक दिलचस्पी है वो चाहते हैं लगन है वो बहुत पाँच छह महीने के अंदर अपने घर में रहते हुए बिल्कुल अपने दोस्तों से नहीं मिल मिल सके हैं बहुत सारी सरगर्मियों से दूर हैं वो फेड अप हो चुके हैं आपके स्टूडेंट से बहुत ही अच्छे लेकिन मेरे घर के जो बच्चे हैं उन्होंने तो कह दिया भाई हमने स्कूल जाना और वहाँ पे जाके जो है फ्लू का बहाना करके आ जाना है मैंने कहा अच्छा सही है ये मगर वो बहाना करके आएंगे नहीं आप देखिएगा अच्छा तो फिर आप बता रहे थे हाँ मैं बस यही कह रहा था कि बच्चे भी चाहते हैं और पेरेंट्स ख़ुद भी ये चाहते हैं क्योंकि एक बड़ी हद तक ज़िम्मेदारी वो समझते थे कि शायद उन्होंने अदा की है मगर वो नहीं अदा कर सके पाँच छः महीने के अंदर और बच्चों के अंदर जो स्किल्स जिस वक्त उनके अंदर वो स्किल्स पैदा की जानी चाहिए अगर वो उस वक्त पैदा ना की जाए तो वो बाद में उन स्किल्स को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है लिहाजा हर चीज़ का एक वक्त होता है यकन एक नुकसान हुआ है उसको कम अप होना चाहिए उसको पूरा किया जाना चाहिए और हम एस ओ पीज़ को फॉलो करें हम बच्चों को एजुकेट करें पेरेंट्स को एजुकेट करें इस हवाले से हमने वीडियो से भी बनाए हैं हम गूगल क्लासरूम के अंदर और मुख्तलफरा से हम उन तक ये इतलात और ये मालूम पहुँचा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से एस ओ पीज़ पर भी अमल करवा सकते हैं और सेहत के वो जो तमाम हिफाजती इकदाम हैं उनको लेते हुए वो बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं तो ये है कि इन शाह तला तालीम के मामले को तरजीह दीगर ममालिक में भी दी जा रही है तो हमें पाकिस्तान में भी देनी चाहिए ठीक है अच्छा मुझे एक सवाल और पूछना था क्योंकि बच्चे जब अपने इस्कूल में तो आपने एस ओ पीज़ फॉलो करवा रही हैं लेकिन जब बच्चे वैन में घर से निकलेंगे तो उसको किस तरह से आप लोग मैनेज ये करेंगे? एक बहुत अहम इशू है ख़ुद वालदे भी इस हवाले से फ़िकरमंद हैं एक बड़ी तादाद तो वह है कि जो खुद चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के स्कूल ले आएँ वहाँ से वापस घर ले जाएँ मगर चूंकि नौकरी पेशा भी वालदे होते हैं तो वो मजबूर होते हैं कि वो कैसे करेंगे काम तो बहरहाल ऑल्टरनेट डेज में जब बच्चे आएंगे तो खुद ब खुद तादाद तो आधी हो जाएगी जहाँ सोलह बच्चे अगर वैन में बैठते तो अब आठ बच्चे वैन में बैठ जाएंगे शिफ्ट वाइज भी आएंगे तो तादाद इन खुद ब खुद कम हो जाएगी बस ये कि ट्रांसपोर्ट के जो जिम्मेदारान हैं उनको इस बात को महसूस करना चाहिए और वाले के साथ तो करना स्कूल चाहिए स्कूल ने अभी तक उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हैं, दी है है है। बिल्कुल उनके लिए क्या है? से किस तरह से वो मैनेज करेंगे क्योंकि आपको बच्चों को को स्कूल स्कूल पे टाइम पे बच्चों को स्कूल टाइम पे भी लेकर आना जी. है और जो है वहाँ पे एस ओ पी को भी फॉलो करना है तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे देखें उसमें हमने उनसे ये कहा है कि जिस तरीके से आप वैन चलाते हैं तो आपके साथ एक फर्द और होना चाहिए कि जो बच्चों को वैन के अंदर कंट्रोल करें वरना बच्चे आपस में ज़ाहिर सी बात है एक ड्राइवर तो कंट्रोल नहीं कर सकता तो हमने ये कहा है कि एक, एक फ़र्द और आप रखें कि जो बच्चों को डिस्टेंसिंग से बिठाएं और उनको एस ओ पीज़ पर अमल करवाएं, कोई मास्क अगर बच्चा उतारता है उसको हिदायत ये की जाए कि वो मास्क ना उतारें वरना फिर आप स्कूल नहीं जा सकेंगे दोबारा तो इस इन शाला ये काम किया जा रहा है हो रहा है ठीक है अच्छा क्योंकि अभी पिछले पाँच महीने से स्कूल्स भी बंद थे और टीचर्स कई काफ़ी सारी ऐसी टीचर्स थी जिनको तनख्वाहों में काफ़ी मुश्किल हुई हैं तो उनके लिए आप लोगों ने क्या आगे का अमल और जिनको दे चुके हैं और रहते हैं उस्मान पब्लिक स्कूल की जहाँ तक बात की जाए तो हमने तो अब तक अलहमद तमाम पूरा स्टाफ जो टीचिंग स्टाफ है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको मुकम्मल तनख्वाहें दी हैं ये यकीनन ऐसा है कि हमने जो हमारी रेंटेड बिल्डिंग्स थी वहाँ पे हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपना किराया बाद में ले लें हम इस को देना चाहते हैं सैलरीज और ऐसे ही हुआ है दीगर स्कूल्स में भी इसी तरह कहा गया है और उन्होंने भी इसी तरह किया है आ, मगर एक बड़ी तादाद ऐसी है जहाँ पे स्कूल्स से इस को फारग भी किया गया है वो क्योंकि वालदेन की जानब से फ़ीसें जब नहीं आ रही थी जाहिर सी बात है वो कहाँ से सैलरीज दे सकेंगे इसके हवाले से एक बात ये थी कि सिंध गवर्नमेंट से ये अपील की थी एसोसिएशंस ने और कई मरतबा ये अपील्स कि चूँकि बजट आ रहा है जून में आपका बजट आ रहा है उसमें आप कोरोना रिलीफ के हवाले से स्कूलों को भी मद्देनजर रखें और यहाँ पर आप फंड्स रिलीज़ करें ताकि इन स्कूलों को अपने उसको जो है वो वो अपने इस को तनख्वाहें दे सकें मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सका और जो भी फंड्स रिलीज़ हुए जो फंड्स भी हुकूमत को मिले हमने तो ये देखा कि जो मास्क से, जो आए मुख्तलिफ मालिक मख्तल ममालिको किट्स आई मालिक से वो तक हॉस्पिटल्स में नहीं सही तरीके से तकसीम हो सकी तो फिर ये ज़िम्मेदारी कैसे हो उन्होंने नहीं किया हालांकि फ्लोर पर अरकान असम्बली ने इस बात को इस बात का अदा किया और कहा अपील की हुकूमत से मगर हुकूमत ने सवाल से अपनी जिम्मेदारी दा दी तो अभी तक हुकूमत ने कोई स्कूल्स के लिए कोई किट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए नहीं कुछ की? जो जहाँ तरजीही बुनियाद पर तर, किट्स प्रोवाइड करनी की जानी चाहिए थी वहाँ नहीं की हॉस्पिटल्स में तो फिर स्कूल्स तो एक आप समझ लीजिए कि वहाँ तो उन्होंने आ, जो फंड्स उनको दिए जाने चाहिए थे कम अज़ कम ये तो किया जा सकता था कि कुछ लोन उनको प्रोवाइड किया जाता ताकि वो बाद में उसको पे बैक करते हैं, मगर ये तक भी नहीं किया जाहिर हम सबको अंदाज़ा है किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको कितना लॉस फेस करना पड़ रहा है अच्छा वो मुझे पूछना ये था कि जिस तरह से कल सईद गनी साहब ने कहा कि गैर ज़रूरी स्कूल जो है उनको बंद किया जाए तो उसको उसके लिए आपकी नज़र में सही लगता है कि क्योंकि कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इस तरह से तो इस तरह के अगर हम स्कूल को ग़ैर ज़रूरी अच्छा जब वो स्कूल्स बन गए और जो अब उनको नज़र आ रहे हैं कि वो गैर ज़रूरी थे वो सारे स्कूल्स तब उनको क्यों नहीं नज़र आता था बिल्कुल ऐसा ही है जब स्कूल रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें एक कॉलम ये होता है कि आपका स्कूल कितने गज़ पर है और ये अगर 40 गज पर है या अस्सी गज पर 120 सौ बीस गज पे है दो सौ गज पे जितने भी रकबे पर है वो तो उसको कोई ऐसा कानून क्यों नहीं पास उस वक्त किया गया कि कम से कम इतने रकबे पर स्कूल होना चाहिए क्योंकि गली गली में गली दो गली दो गली। तीन तीन जी बिल्कुल आप आपने जब अलाउ किया है रजिस्टर किया है बाकायदा उन स्कूल को तो अब अचानक उन पर ये तलवार आप गिराएंगे तो उनके लिए तो बहुत परेशानी होगी लिहाजा इसको तो जो है वो हिकमत के साथ किया जाना चाहिए ठीक है तो आप जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे आप uh, मैसेज तो मेरा यही है कि अलहमदिल्ला एक तवील अरसे के बाद इस्कूल्स खुल रहे हैं और वालदे से ये गुजारिश है ख़ास तौर पर कि वो बच्चों की तालीम को तरजीह दें और प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स जो भी इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं उनके साथ भरपूर कोपरेट करें और ये एक ऐसा काम है कि जो हमारे लिए इंतहाई अहम है किसी भी कौम की तरक्की उसकी अपनी नई नस्ल से जुड़ी हुई होती है और नई नस्ल अगर तालीम सही तरीके से हासिल नहीं कर सकेगी तो वो कौम बहुत पीछे चली जाएगी लिहाजा हमें इस पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं इंतसार साहब लेकिन वक्त हुआ जाता एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा Euskal <tune> Herri